डायरेक्ट प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली बात है आपको भी पता है कुछ चीज़ जो आपने समझ ली तो आप जिंदगी भर नहीं भूलते, ठीक है। वो कहते हैं ना गहराई, मतलब हम क्या समंदर प्यार के इश्क के समंदर में कूद गए थे, तो इश्क के समंदर में कूद जाना मतलब आप गहराई में उतर गए थे, आपने सामने वाले को समझा, आपने आपको समझने की कोशिश की, तो वहाँ पर क्या हुआ वो गहराई से समझने, तो आपने ये क्या हो गया भाई डेप्थ प्रोसेसिंग हो गई, समझे, एक शैलो प्रोसेसिंग, आपने देखा भाई सामने वाला सुंदर है या सुंदरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। अब तक हमने पढ़ा है कोग्नेटिव साइकोलॉजी, इन्फॉर्मेशन लर्निंग एंड मेमोरी, मेमोरी का कंप्लीट कंसेप्ट किया, उसके अंदर एमनीशियाज को स्टडी किया, ठीक है। तो अब हम करेंगे मॉडल्स, फिर हम करेंगे थ्योरीज। मॉडल्स हमारे पास है जो वो एंड नोमन, एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल्स, लेवल ऑफ रिकॉल का क्रे जो क्रेक एंड लोकार्ट ने दिया था, और एक PDP पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। तो ये हम अब करने वाले हैं, उसके बाद हम थ्योरीज को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वो एंड नोमन मॉडल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। वो एंड नोमन ने क्या दिया, देखिए पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। अब तक हमने जो पढ़ा ना, हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ा, अब इसके अंदर जो फंडा है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, लॉन्ग टर्म मेमोरी का फंडा है। कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो कौन सी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को अफेक्ट करती है, ठीक है। अभी देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी पर कैसे क्वेश्चन बनेगा। वो एंड नोमन मॉडल ने क्या किया था, इसने जो प्राइमरी मेमोरी कहा, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसने ये कहा हमारे ब्रेन के अंदर। प्राइमरी मेमोरी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेट करेगी, या शॉर्ट टर्म स्टोरेज होगी, और सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज होगी, ठीक है। इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए क्या बात करते हैं, अभी चलिए शुरू करते हैं। वो एंड नोमन मॉडल 1965 के अंदर जो पहले मॉडर्न बिहेवियर मॉडल था, ये पहला मॉडर्न बिहेवियर मॉडल था, ये ड्यूअलिस्टिक मॉडल था। ड्यूअलिस्टिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक तो ये क्या कहता था, प्राइमरी मेमोरी एग्जिस्ट करती है और एक सेकेंडरी मेमोरी एग्जिस्ट करती है हमारे ब्रेन के अंदर। इसके अकॉर्डिंग ना हमारे ब्रेन के अंदर यूँ मान लीजिए दो बॉक्स हैं, ठीक है, एक तो प्राइमरी मेमोरी का, एक सेकेंडरी मेमोरी का। ये तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, इसके अंदर तो थोड़ी देर के लिए स्टोरेज रहेगी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, इसके अंदर ज़्यादा देर के लिए स्टोरेज रहेगी। और एक और खास बात, जो वो एंड नोमन मॉडल है ये किससे इंस्पायर्ड थे, विलियम जेम्स के डिक्टोमी मॉडल से इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने क्या कहा था हमारे हेड के अंदर जो बॉक्सेस सेट हैं, इधर भी बॉक्स है इधर भी बॉक्स है, जिसके अंदर हम मेमोरी सेट करते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर होते हैं ना वैसे, ठीक है। तो उन्होंने इसके अंदर क्या किया, दे एडिड द क्वांटिफिकेशन एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इनके अकॉर्डिंग, जो वो एंड नोमन मॉडल के अकॉर्डिंग, प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म स्टोरेज विद वेरी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, जबकि ओल्ड आइटम आर डिस्प्लेस्ड बाय न्यू वन मच लाइक इन द वेरी वर्टिकल फाइल्स। इन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी मेमोरी है ना, उनकी एक तो बहुत कम होती है क्या स्टोरेज कैपेसिटी उनकी बहुत कम होती है, और दूसरा जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए ये कोई हमारा रैक है जिसके अंदर हम फाइल डालते हैं, जैसे हम इन्फॉर्मेशन डाली फिर हम और फाइल डाल देंगे तो ये नीचे आ जाएगी, फिर और, तो क्या हो जाएगी, पुरानी फाइलें यहाँ से निकलती चली जाएंगी, नई इसके अंदर आती चली जाएंगी। इसका अकॉर्डिंग ऐसा कुछ था जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के अकॉर्डिंग। एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, लगभग है जो मान लीजिए 16 डिजिट है जो किसी लर्नर को दे दिए, और उनको कहा कि भी आप ना पहले तो एक डिजिट पर सेकंड के हिसाब से पढ़िए, फिर 4 डिजिट पर सेकंड के हिसाब से पढ़िए। अभी आप खुद एग्जांपल लगा लीजिए, मान लीजिए मैं आपको बोल दूँ, अगर मैं आपको 10 डिजिट दे देता हूँ, 9, 7, 8, 12, 37, 19, 78, 68, अभी इस तरह मैं जो 16 डिजिट आपको दे देता हूँ और आपको कहूँ कि आपको ना ये एक डिजिट एक सेकंड में बोलनी है और 4 डिजिट एक सेकंड में बोलनी है, तो आप कौन सी याद कर पाओगे, आप बताइए हमें कमेंट करके, आप कौन सा याद कर पाओगे, हम देखेंगे आपका इंटेलिजेंस को, ठीक है। तो वैसे जनरली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दे ट्राई टू फाइंड आउट वेदर फॉरगेटिंग वॉज ए फंक्शन ऑफ डिके विद टाइम और इन्फेरेंसेज इन प्राइमरी मेमोरी। इन्होंने क्या निकालने की कोशिश की इस मॉडल के हिसाब से, इस मॉडल से उन्होंने निकाला कि भी जो इन्फॉर्मेशन का डिके होता है, जो फंक्शन का जो डिके होता है, वो टाइम से होता है, डिजिट पर सेकेंड से होता है, या फिर जो नई डिजिट जो इंटरफेयर कर रही है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, उसकी वजह से है जो हम है जो भूल जाते हैं, हमारी है जो मेमोरी के अंदर डिके हो जाता है, ठीक है। ये इन्होंने देखने की कोशिश की थी एक डिजिट पर सेकंड और 4 डिजिट पर सेकंड के हिसाब से। तो इससे हमें क्या पता चला, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। इससे हमें यह पता चला, दे डिस्कवर्ड इन
इंटरफेरेंस टू बी ग्रेटर फैक्टर देन द डीके ड्यू टू द टाइम इन फॉरगेटिंग इन ए प्राइमरी मेमोरी। जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा मायने रखती है एज कंपेरिजन टू टाइम, बिकॉज मान लीजिए आपका वही रैक वाला एग्जाम्पल है, आपने एक टर्म याद कर ली, दो कर ली, तीन कर ली, चार कर ली, उसके बाद आपका माइंड सेचूरेट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो रहा है जो आप याद नहीं कर पाते, उसके बाद आप सिर्फ लास्ट वही है जो जो हमारा माइलर मैजिक ने दिया था ना, ऐसा ही कुछ उससे सिमिलर कुछ कंसेप्ट है ये। अभी आप खुद भी ध्यान लगाइए, अगर आप एक डिजिट पर सेकंड, वन डिजिट पर सेकंड से हम जब कोई डिजिट बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक सिंगल डिजिट को एक सेकंड मिल रहा है, दूसरी डिजिट को एक सेकंड मिल रहा है, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल। लेकिन क्या हो रहा है, फोर डिजिट पर सेकंड में हम क्या करेंगे, चार डिजिट एक सेकंड को देंगे, वहां पर टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास और इंटरफेरेंस है जो अलग अलग शब्दों का वो ज़्यादा है। तो ये था हमारा वो एंड नोमन मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको ना समझ आए तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो दूसरा मॉडल आता है एटकिंसन शिफ्रिन स्टेज मॉडल। अभी आपने जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, मेमोरी के अंदर हमने सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बताया। जो एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल ने स्टेज थ्योरी मॉडल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब की बार एग्जाम में भी आया था, वो एंड नोमन भी आ सकता है। एटकिंसन अब की बार रिसेंटली आया हुआ था, तो वो एंड नोमन को समझने के लिए इसने ये कहा कि हमारे जब ब्रेन के अंदर एक स्टोर रूम की तरह ना, तीन वो लगा लीजिए, स्टोर लगा लीजिए, एक को इसने सेंसरी मेमोरी कहा, दूसरे को एसटीएम शॉर्ट टर्म स्टोरेज शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरे को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा। ठीक है, इसने क्या कहा, ये तीन पार्टीशन है जिसके अंदर हमें जो मेमोरी को स्टोर करते हैं। चलिए अब चलते हैं थ्योरी के ऊपर। 1968 के अंदर एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल प्रपोज दिस फेमस स्टेज थ्योरी, इसने जो इसको स्टेज थ्योरी कहा, दे एज्यूम दैट लर्निंग एंड मेमोरी एज डिसकॉन्टिन्यूस एंड मल्टी स्टेज मल्टी स्टोर सिस्टम। मल्टी स्टोर क्यों, इसके अंदर तीन स्टोर दिए गए थे इसलिए। ठीक है, दे आर थ्री यूनिटरी सेपरेट मेमोरी स्टोर, इसने क्या कहा, तीन अलग अलग सेपरेट हमारे पास यूनिट हैं, स्टोर्स हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एंड लेक सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस कैसे, सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऐसे एक सीक्वेंस के अंदर है जो मेमोरी है जो इन स्टोर्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है, इसलिए सीक्वेंस कहा। जो कौन कौन से ये स्टोर मैं बता चुका हूँ, सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म स्टोर मेमोरी है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। ठीक है, तो प्रत्येक स्टोर है ना, देखिए खासियत, प्रत्येक स्टोर ऑफ मेमोरी हैव डिफरेंट वे ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अलग अलग स्टोर की अलग अलग एनकोडिंग होगी, हाउ मच इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर रख पाएंगे और हाउ लॉन्ग, कितने ड्यूरेशन रहेगी, ये अब हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म्स नोट के अंदर जो शॉर्ट इन शॉर्ट के अंदर मैंने बताई दिया था, इन्फॉर्मेशन जो हम डिडक्ट करते हैं सेंसरी मेमोरी से, फिर हम फोकस करते हैं वो सेंसरी से शॉर्ट टर्म स्टोरेज के अंदर चली जाती है, फिर हम फोकस और रिहर्सल करते हैं वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के अंदर चली जाती है। चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट सेंसरी मेमोरी से। तो ड्यूरेशन है जो सेंसरी मेमोरी की 1/4 और 1/2, मतलब वह एक चौथाई और जो आधा हिस्सा है जो सेकंड, इतनी सिर्फ इतनी ड्यूरेशन होती है। सेंसरी मेमोरी आपको समझ में आ ही गया होगा जब हमने सेंसरी मेमोरी की बात की थी, कौन सी मेमोरी होती है जो हम फाइव सेंसेस से गेन करते हैं, आइज, ईयर, नॉइज, स्किन एंड टंग, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो ये था हमारे सेंसेस जिससे हमें जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, रिसीव करने से फिर हम उनको स्ट्रक्चराइज करते हैं, गैदर करते हैं। ओके, उसके बाद जो कैपेसिटी है इसकी कितनी होगी, हैविंग लार्जर कैपेसिटी। आपको पता है मैंने क्या कहा था, ये कॉन्शियस लेवल पर हम इसको, जिस पर हमने कॉन्शियस कर दिया यार, वो तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के अंदर ही नहीं चली जाएगी। तो ये जो अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे होती चली जाती है, नंबर ऑफ थिंग्स है जो एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कॉलेज कैंपस के अंदर, जब आप वॉक कर रहे हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ साउंड्स होते हैं, बर्ड्स की चियरपिंग होती है, म्यूजिक क्लास और बच्चों का क्राउड होता है, बच्चों की बोलचालों का शोर होता है, टीचर्स का साउंड होता है। ठीक है, तो ऐसा है जो बहुत सारा बच्चों खेलने के बाद, तो वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ थिंग एग्जिस्ट करती है, बाहर के ट्रैफिक का भी शोर होता है, तो वहाँ पर उसकी जो कैपेसिटी क्या होगी, लार्ज कैपेसिटी होगी। लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं सभी को, एनकोड कैसे करेंगे, डिफरेंट स्टोर्स फॉर ईच सेंस, अलग अलग जो सेंसेस से हमें जो इनको एनकोड कर सकते हैं। सेंसरी मेमोरी कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, बट मोस्ट ऑफ रिसीव अदर पर हम फोकस करते ही नहीं, हम ऐसे ही ध्यान देते ही नहीं उन पर। ठीक है, तो अटेंशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रिमेंबरिंग समथिंग, अटेंशन वो सबसे पहला जो कदम है
जिसको हम कुछ भी चीज़ याद करते हैं। इफ़ ए पर्सन अटेंशन फोकस्ड ऑन वन ऑफ द सेंसरी स्टोर देन द डाटा इज ट्रांसफर। यदि हम किसी भी एक चीज़ पर फोकस कर लेते हैं, आइज़ के थ्रू लगा लीजिए कि भी हाँ वो सामने वाला सुंदर है, तो हमारे दिमाग में उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि भी हाँ भाई इस जो स्टॉल पे है जो खाना काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी भाई, तो स्मेल से आपको पता चलेगा वाह वाह यार ये तो गज़ब के छोले कुलचे बनाता है यार, यहाँ से हमें खाना। तो स्मेल से आपको इन्फॉर्मेशन आपके शॉर्ट टर्म स्टोरेज के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ेंगे हम। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 0 से 20 सेकंड अप्रोक्स। कैपेसिटी वही माइलर मैजिक नंबर वाली, 7 ± 2 आइटम्स। एनकोडिंग मेनली ऑडिटरी। जो जब भी हम सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से होते हैं वो ज़्यादातर ऑडिटरी होती है। इन्फॉर्मेशन अकोस्टिकली एनकोड करते हैं और जो वो बदली चली जाती है। बदली बोले तो हम कह सकते हैं जैसे कि आपने म्यूज़िक सुना, आपको भी पता होगा, देखिए जब आप म्यूज़िक सुनते हैं कोई आपका फेवरेट सॉन्ग होगा वो भी कुछ टाइम के लिए, ऐसा अक्सर होता है कॉलेज लाइफ के अंदर। क्या होता है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग है जो म्यूज़िक पसंद आता है। जब आप थोड़े से रोमांटिक मूड में हैं तो आप थोड़ा रोमांटिक है जो कुमार सानू के भी गाने सुन सकते हैं, और हो सकता है आपका जो थोड़ा गुंडागर्दी वाले हैं तो आप दिलप्रीत ढिल्लो के भी गाने सुन रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के भी, जिनके अंदर है जो थोड़ी तबाही वाले गाने होते भी है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर है जो ऑडिटरी होती है ये डिस्प्लेस होती रहती है। मूड है जो वो एनवायरनमेंट के थ्रू है जो मूड चेंज होती रहती है और वो डिस्प्लेस होता चली जाती है। रिहर्सल इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्बली और मेंटली रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम बार बार रिहर्स करते हैं तो हमारे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विच क्या आप देखिए, मैंने अभी जो म्यूज़िक का एग्जांपल दिया क्या वो सही था? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ तो अब चल ही रहे हैं भाई हम। विच अलो द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30 सेकंड। देखिए जब भी फोकस करते हैं वो 20 से लेकर 30 और अप्रोक्स 1 मिनट तक लेकर चला जाता है हमारा फोकस। ठीक है, तो इफ मेंटेनेंस रिहर्सल डज नॉट अकर देन द इन्फॉर्मेशन फॉरगॉटन। यदि आपको पता ही रिहर्सल नहीं करेंगे यार हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कैसे जाएगी? ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, जैसे हमने को सेंसरी मेमोरी के साथ किया था। हम जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिके, वो चलिए आप पढ़ लीजिएगा खुद भी। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लिया करो भाई। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या होता है, ड्यूरेशन अनलिमिटेड, कैपेसिटी अनलिमिटेड, जो एनकोडिंग होती है ज़्यादातर सीमेंटिक होती है, हम कैन बी विजुअल और ऑडिटरी दोनों हो सकती है। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में तो पता ही है भाई, एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर गई तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, हाँ मेरा पहला क्रश ये था, मेरी पहली क्रश है जो फरारी थी। आप और कहीं मत जाइएगा, आप यहीं पर रहे। इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉल्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी बैक इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी व्हेन इट इज़ नीडेड। इन्फॉर्मेशन इसको क्या कहेंगे, रिट्रीवल कहेंगे। ठीक है, हम रिट्रीव करते हैं। रिहर्सल इन्वॉल्व होती है प्रोसेस को लिंक करते समय इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल वे से। और आपको एक बात हम बता देते हैं, उस क्वेश्चन जो हमने वो एंड नोमन के अंदर क्या किया कि जो प्राइमरी मेमोरी पढ़ा और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ज़्यादातर याद रही जाएगी जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होगी, इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आगे भी आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है लेवल ऑफ रिकॉल। अभी देखिए लेवल ऑफ रिकॉल किसने दिया था, P.I. जिंग चेंको ने दिया था 1962-1981 इसका जो टाइम पीरियड रहा। इसने क्या किया, एक्सप्लेन द वे ए सब्जेक्ट इंटरेक्ट गिवन ए मटीरियल। देखिए आप ना कैसे किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या रिलेशनशिप निकालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी को समझा कि भी कैसे जो लोग जो चीज़ों को याद रख पाते हैं, वो है जो इन्होंने क्या किया, 10 सीरीज़ निकाली वर्ड्स की। जैसे कि 4 वर्ड दे दिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर राइट डाउन कर रखे हैं, हाउस विंडो बिल्डिंग फिश। हाउस भी तो 3 ग्रुप बना दिए गए, पहले को क्या करना था बिना लॉजिक के बात बताएं जिसके अंदर मीनिंगलेस में जो कोई रिलेशनशिप ना हो, दूसरे ने एक कॉमन रिलेशनशिप निकाली और तीसरे ने लॉजिकल रिलेशनशिप दी, जिससे ये पता चला जो लॉजिक रिलेशनशिप दे रहा है भाई उस वो ना ज़्यादा चीज़ों को याद रख पा रहा है। तो ये इस जो मॉडल का एम था, हम बात करते हैं थ्योरी की। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि भी P.I. जिनचेंको ने इसको एक्सप्लेन किया था, वे ऑफ सब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ए गिवन मटेरियल, किस तरह से कोई सब्जेक्ट है जो गिवन मटेरियल के साथ है जो इंटरेक्ट करती है। ही वांटेड टू शो दैट, वो क्या चाहते थे दिखाना, हाउ ए सब्जेक्ट लर्न द गिवन मटेरियल एंड वॉज एबल टू रिकॉल, वो कितने सक्षम रहते हैं चीज़ों को याद करने में। ही स्टेट दैट वर्ड्स एनकोड बाय डीप मीन्स वर रिटेन्ड इन इंसिडेंटली
memory for a long time. Further, it was stated that different system of connections were activated by different goals. अलग अलग connections यार अलग अलग goals. सभी बात है जिसका जिस वो कहते हैं ना सोच के हिसाब से काम होता है. जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपकी thinking बनती चली जाएगी. ऐसा ही यहाँ पर बताया गया. ऐसा ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना 10 सीरीज़ निकाल दी 4 वर्डों की. अभी यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही सीरीज़ मतलब एक रो के अंदर लिखा हुआ है. यहाँ पर मान लीजिए आप 10 सीरीज़ है हमारे पास 10 रो होंगी. तो हाउस विंडो एंड बिल्डिंग फिश अगर मैं आपको कहूँ वहाँ पर 3 ग्रुप बना दिए गए. पहले ग्रुप को क्या करना था द वर्ड हुज मीनिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम एक दूसरे से जो वर्ड बिल्कुल अलग है. जैसे कि हाउस और फिश देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वर्ड्स. हाउस एंड फिश कोई भी रिलेशनशिप एक्जिस्ट नहीं करती. लेकिन सेकंड ग्रुप को क्या करना था एक कनेक्शन बनाना था एक कॉन्क्रीट कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट वर्ड एंड वन ऑफ द अदर वर्ड. पहला वर्ड कौन सा है हाउस के साथ दूसरा किसी वर्ड के साथ एक कॉन्क्रीट एक जटिल वो है जो रिलेशनशिप क्रिएट करनी थी वो हो गई हमारे पास हाउस विंडो. क्योंकि हाउस और फिश का कोई रिलेशनशिप नहीं है हाउस और बिल्डिंग का है लेकिन हाउस और विंडो है जो ज़्यादा सुटेबल लगती है. तो थर्ड ग्रुप को क्या करना होगा भाई थर्ड ग्रुप ने ना लॉजिकल कनेक्शन दिया हाउस और बिल्डिंग के बीच में कि भी जो बिल्डिंग के अंदर हाउस होंगे ही होंगे. तो इससे क्या निकला क्या समझ में आया हमको इससे समझ में आया जिनचेंको टेस्टेड देम विद डिफरेंट गोल्स टू आर द मटेरियल एंड मीनिंग ऑफ ईच ऑफ देम. सबके मीनिंग्स अलग थे सबका मटेरियल अलग था. कैसे मतलब गिवन मटेरियल के साथ ठीक है मटेरियल अलग नहीं था गिवन मटेरियल में कैसे उनकी थिंकिंग काम कर रही थी. लॉन्ग टर्म ऑफ रिकॉल वॉज अभी लॉन्ग लंबे समय के लिए कौन चीज़ें को याद रख पाएगा जिनका जो लॉजिकली जिसने बात की होगी वही लॉन्ग टर्म के लिए. आपको भी पता होगा आप ये कहते हैं ना यार ये तो लॉजिक है यार इसमें क्या है 2 और 2 4 ऐसा तो सबको पता है लॉजिक. अगर आप कहेंगे 2 और 2 3 ऐसा थोड़ी होगा भाई विदाउट लॉजिक तो आप 2 और 2 4 ज़्यादा याद रख पाएंगे क्योंकि एक तो ये कॉमन हो गया ठीक है. तो थर्ड ग्रुप विद लॉजिकल कनेक्शन वाइल द नो मीनिंग कंडीशन कुड रिकॉल फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम. जिसका कोई मीनिंग नहीं है उसको हम थोड़े टाइम के लिए याद रखेंगे. तो देखिए मैं आपको एक और बेहतर एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे कि बाइक्स पर या कार्स पर जो रोड पर चलती रहती है आपने कोई नंबर देखा आपने नंबर देखा अरे वाह ये तो सही है बिल्कुल ठीक है मज़ा आ गया. फॉर्चुनर के ऊपर आपने देखा 0001 है या 111111 है ऐसा कुछ देखा भाई या फिर PX10 है तो ना कोई प्राइवेट नंबर लाखों लाखों वाले ठीक है. तो आपने क्या देखा यार ये तो मज़ा आ गया हमारे भी गाड़ी पर ऐसा होना चाहिए. लेकिन क्या होता है आप उस नंबर को आफ्टर सम टाइम है जो भूल जाते हैं क्योंकि वो आपसे रिलेट करता ही नहीं ना तो आपने कभी ख़रीदा और शायद आप आगे खरीदोगे या जब खरीदोगे भाई जब पैसे होंगे. लेकिन जब कौन सी चीज़ आपसे रिलेट करेगी अब मान लीजिए किसी कार के पीछे ऐसा लिखा है मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऊपर देखा था उसके ऊपर लिखा था BARVFAIL ये 12वीं फेल नहीं है यहाँ पर है जो अमेरिका पता नहीं किस गाड़ी का नंबर था वो गाड़ी शायद मस्टैंग थी ये था ये नंबर है इसको हम 6th कहते हैं और FAIL वहाँ का जो कोई कोड होगा. तो भाई 12वीं ऐसे नहीं था भाई वहाँ पर ऐसे था XXV हाँ VI और फेल शायद कुछ ऐसा था अभी देखो मेरे को कंफर्म याद नहीं लेकिन ऐसा कुछ था. तो वहाँ पर बताया गया भी देखो 12वीं फेल वाला बंदा है जो मस्टैंग चला रहा है या BMW चला रहा है. तो आपने अगर आप 12वीं फेल होंगे तो आप चीज़ों को रिलेट करेंगे अरे भाई अब तो बवाल हो गया ये तो मज़ा आ गया. तो उससे आप चीज़ों को रिलेट करेंगे और ज़्यादा टाइम के लिए याद रख पाएंगे उसको आप रिकॉल कर पाएंगे. तो ऐसा जब जो लॉजिकली चीज़ें कनेक्ट होती हैं उससे हमें ज़्यादा याद कर पाते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास है जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्रेक एंड लोकार्ट. देखिए क्रेक एंड लोकार्ट ने क्या कहा इसने कहा था भाई डीप प्रोसेसिंग होती है एक शैलो प्रोसेसिंग होती है. एक तो बाहर से हम कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं और एक गहराई से याद कर लेते हैं. अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए जो चीज़ आपने बाहर से देखी हाँ भाई ठीक है तो वो आप ज़्यादा याद रख पाएंगे या फिर जिस चीज़ को आपने समझ लिया है आपने अपने आप को समझ लिया है तो उस चीज़ को आप ज़्यादातर याद कर पाएंगे बताइए आप हमें. ये आप हमें अभी कमेंट करके बताइएगा ठीक है. चलिए हम शुरू करते हैं. एक जो ये क्रेक एंड लोकार्ट जो 1972 इन्होंने क्या किया एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल का को क्रिटिसाइज़ किया उसका विरोध किया. उन्होंने कहा अरे भाई ये ऐसा थोड़ा होता है जी भी हमारे पास 3 स्टोर है कोई मकान थोड़ी है हैं ऐसे आपने बोल दिया ये कोई मकान थोड़ी है जिसके अंदर आपने 3 स्टोर बना दिए भाई एक सेंसरी मेमोरी होगा एक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा या एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा ऐसा कुछ नहीं होता. इन्होंने ये कहा भाई ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता. इस थ्योरी ने किस पर कॉन्सेंट्रेट किया प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी
मेमोरी इज रियली जस्ट व्हाट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसने क्या कहा कि जो देखो हम शुरुआत से लेकर अभी तक यही कहते आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली वो हमने इकट्ठा की, इकट्ठा करने के बाद हमने उसको स्ट्रक्चराइज किया और जो रिजल्ट निकला, जो हमने चीज़ सीखी वो हमारी मेमोरी बन गई। तो इसने यही कहा है जो क्रेक एंड लोकार्ड ने, ये कहा कि मेमोरी इज़ रियली जस्ट व्हाट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उसका रिजल्ट मेमोरी है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं कि भी तीन कमरे बना दिए हमने यहाँ पर, सभी के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने ऐसे कुछ इस अंदाज से आप लगा याद करने का तरीका भाई जो क्रेक एंड लोकार्ड ने इसका क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो क्रेक एंड लोकार्ड प्रपोज दैट मेमोरी इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द डेप्थ ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देयर इज ए नो क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वही बात, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या, एक तो डेप्थ प्रोसेसिंग होती है और एक शैलो प्रोसेसिंग होती है। अभी शैलो प्रोसेसिंग कौन सी होगी मैं पहले आपको बता दूँ, जो बाहरी तत्वों से रिलेट करेगी, जो आप बाहर से देख के बताएंगे। जैसे कि अब आपने ये बता दिया कि भी ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अभी हो सकता है ये अगर मैं आपको 3D के अंदर दिखाऊं, जैसे किंडल जोए का आता है ना, किंडल जोए, अगर उसके ऊपर आप कुछ ना लिखें तो आप कहेंगे तो एग जैसी शेप का है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी पता है, उसको खोलेंगे तो आप उसके अंदर चॉकलेट निकलेंगे, वो तो कोई बच्चा ही बता सकता है, ठीक है। आपको नहीं पता लगेगा अगर उसके ऊपर प्रिंट ना हो तो। तो ऐसा ही कुछ होता है शैलो प्रोसेसिंग, बार बार से आपने देख के कुछ चीज़ों को देखा और समझा। लेकिन डेप्थ प्रोसेसिंग क्या होता है, जो आप चीज़ों को गहराई में जाकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अब आप ये बताएं कौन सी चीज़ आप ज़्यादा याद रख पाएंगे, बताइएगा, ये आप बताइएगा। तो पहले मैं ही बता देता हूँ, डेप्थ प्रोसेसिंग ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है कुछ चीज़ जो आपने समझ ली तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलते, ठीक है। वो कहते हैं ना गहराई, मतलब हम क्या समंदर, प्यार के इश्क के समंदर में कूद गए थे, तो इश्क के समंदर में कूद जाना मतलब आप गहराई में उतर गए थे, आपने सामने वाले को समझा, आपने आपको समझने की कोशिश की, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो गहराई से समझने, तो आपने ये क्या हो गया भाई, डेप्थ प्रोसेसिंग हो गई, समझे। एक शैलो प्रोसेसिंग, आपने देखा भाई सामने वाला सुंदर है या सुंदरी है, तो आप वहाँ से प्रभावित हुए, थोड़ी बातचीत की, फ्लर्ट किया और बात ख़त्म हो गई, तो वो हो गया शैलो प्रोसेसिंग। आप उसको थोड़ी सारी उम्र याद करोगे, लेकिन जो डेप्थ प्रोसेसिंग, इसको आपने पहले इश्क के समंदर में उतर के देख लिया, तो वो तो सारा उम्र आपको याद रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये सिर्फ एग्जांपल है भाई, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। तो व्हेन वी एनकोड फिजिकल क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, जो शैलो प्रोसेसिंग को फर्दर डिवाइड किया गया था स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग फोनेटिक प्रोसेसिंग के अंदर, जब हम एनकोड करते हैं किसी की फिजिकल क्वालिटी, जो अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया सुंदर सुंदरी का, ये एक बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, जिसको हम स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग कहेंगे। जैसे कि किसी वर्ड के फेस, जैसे हम क्या कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं भाई ए फोर एप्पल, ऐसे बोलते हैं भैया, ठीक है। तो हमने ये इसको बनाकर दिखाया भाई ये ए फोर ना एप्पल है, ठीक है। और साथ में हम बोलते हैं ए फोर एप्पल, इसका मतलब हमने वहाँ पर फोनेटिक का भी यूज़ किया, साउंड का भी यूज़ किया, वी एनकोड इट साउंड नोन एज फोनेमिक, ओके। तो ये था हमारा शैलो प्रोसेसिंग। लेकिन डीप प्रोसेसिंग की बात करें, चलिए आपको लेकर चलते हैं समंदर में। Involves semantic process which happen when we encode the meaning of a word and relate to it similar word with similar meaning. जब हम किन चीज़ों को रिलेट करके उनको कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके समझते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर कुछ एनालाइज हमें पता चलता है, हम यहाँ पर वैसे ही डूब गए, ठीक है, वो हम तो यहाँ पर वैसे ही डूब गए। चलिए, इट इन्वॉल्व मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लीड्स टू ए बेटर रिकॉल अंडरस्टैंडिंग ऑल फैक्ट अबाउट। देखिए हमने यहाँ पर एक आओ एग्जांपल लिख रखा है कैमरे के अंदर। देखिए कोई आप प्रोफेशनल कैमरा होगा तो वो क्या, उसको क्या होगा, डीप नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में, आप कह सकते हैं ISO के बारे में होगा, ठीक है, शटर स्पीड के बारे में होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्सपोजर के बारे में होगा, अपर्चर के बारे में होगा, उसको कंप्लीट नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी। वो उस समुंदर के अंदर उतरा है, वो अपने प्रोफेशन के अंदर पक्का है, तो वो डीप प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा, उसको वो चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेंगी एज कंपैरिजन टू आपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक की, सब कुछ ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे उसने क्लिक ठोक दिया,
आपने भी मज़ा आ गया भाई, आईफोन की फ़ोटो है ठीक है, लेकिन एक कैमरे की फ़ोटो कैमरे की फ़ोटो होती है। तो डीप प्रोसेसिंग ज़्यादातर ज़्यादा याद रहेगी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। तो एम क्या था इस मॉडल का, हाउ डीप एंड शैलो प्रोसेसिंग मेमोरी है जो अफेक्ट करते हैं रिकॉल को, कैसे हम वो चीज़ कौन सी चीज़ ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है हम जो डीप प्रोसेसिंग को ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे। बाकी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, आप अपने फर्स्ट क्रश को ज़्यादा रिकॉल करते हैं या फिर फ्लर्टिंग को, ठीक है। तो क्या किया, पार्टिसिपेंट के सामने है जो 60 वर्ड है जो उसके सामने रखे गए, 60 वर्ड की सीरीज रखी गई और 3 क्वेश्चन उसके सामने जो पुट आउट किए। कुछ क्वेश्चंस के जो डीप प्रोसेसिंग से बिलोंग थे, कुछ है जो शैलो प्रोसेसिंग से बिलोंग थे। तो कैसे क्वेश्चन पुट आउट किए गए, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमने 60 वर्ड उसके सामने रख दिए या 60 वर्ड उसको समझाया, बोल के बताया, इज़ द वर्ड इन अ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, क्या ये वर्ड है जो कैपिटल थे या स्मॉल लेटर थे। तो वो किस पर बेस्ड हो गए, स्ट्रक्चर पे, विजुअल प्रोसेसिंग पे जो हमने उसको दिखाए थे, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि भी क्या वर्ड के अंदर रिदम था, राइमिंग स्किल था, तो आप बोल सकते हैं वो फोनेमिक से है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग से रिलेट करेंगे, या फिर जो शब्द आपने बोला वो इस सेंटेंसेस के अंदर था तो वो किसके अंदर होगा, डीप प्रोसेसिंग। अगर उसने ध्यान लगा के पूरा सुना होगा तो वो जवाब दे पाएगा। रिजल्ट्स क्या निकले, पार्टिसिपेंट्स रिकॉल्ड मोर वर्ड्स दैट वर डीप प्रोसेस्ड कंपेयर टू फोनेमिकली एंड विजुअल प्रोसेस। जब हम वही बात यार घुमा फिरा के वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, जो डीप प्रोसेसिंग, जो आपने एक बार गहराई में जाकर कुछ चीज़ों को समझ लिया, वो मैथमेटिकल्स की प्रॉब्लम से लेकर जीवन की प्रॉब्लम्स तक है, तो आप उसको ताउम्र तक आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं तथा आप सभी को बताते भी हैं, ठीक है। तो ये था इसका मेन पर्पस, ये हमने क्या किया, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्रेक एंड लोकार्ट इन सिंपल वर्ड्स के अंदर। बात रही आपकी जो इन पीडीएफ नोट्स की, आप टेलीग्राम चैनल से इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं रहेगा, ओके। आपके जो एग्ज़ाम्स के अंदर भी काफ़ी मदद करेंगे, आप एज इट इज़ भी राइट डाउन कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग PDP, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कनेक्निस्ट मॉडल है ये, जो डेविड रूमल हार्ट और जेम्स मैकलैंड ने दिया था। जनरली अगर हम सिंपल वर्डों के अंदर बात करें तो इन्होंने जो बायोलॉजिकली बात की थी भाई, बायोलॉजिकली कैसे इन्होंने न्यूरॉन्स का इस्तेमाल किया अपने मॉडल्स के अंदर, न्यूरॉन का जो इस्तेमाल किया समझाने के लिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन्होंने जिस सिद्धांत पर काम किया था, ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन इन मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअली इंटरेक्टिव पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, मतलब एक साथ बिल्कुल ग्रुप के अंदर काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको जनरली सबसे पहले बता देता हूँ, एक न्यूरॉन्स है, कोई भी न्यूरॉन है, कुछ ऐसी शेप का होता है भी न्यूरॉन, आपको अगर देखा होगा 9th-8th स्टैंडर्ड के अंदर, ये डेंड्राइट्स हो जाती हैं उसकी सामने वाली, और यहाँ पर ये एक्सन होता है उसके अंदर, एक्सन जिसे हम बोल देते हैं, और ये पीछे भी उसके ऐसे कोई बाल जैसे थिन हेयर जैसा होता है, और ये ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही कोई स्टिमुलेशन एक्साइटेशन कोई भी स्टिमुलेशन आती है, जैसे कि हमने किसी गर्म बर्तन को फील किया, तो हमारे न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सेंड करेंगे हमारे ब्रेन को, ठीक है, वो स्टिमुलेशन से, और वो ब्रेन हमें रिस्पॉन्स करके देगा। ऐसा कुछ प्रोसेस है जो न्यूरॉन्स करती है। तो अब हम इस थ्योरी के अंदर क्या कहेंगे, देखिए वी डील विद द काइंड ऑफ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इन्होंने किसको कॉन्ट्रैक्ट किया था, वॉन न्यूमैन ने क्या कहा था, जो कंप्यूटर टाइप इन विच इन्फॉर्मेशन प्रोसेस सीक्वेंशियल स्टेप। इन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया कि जो ह्यूमन माइंड के अंदर है जो इन्फॉर्मेशन है जो सीक्वेंशियल स्टेप्स के अंदर नहीं होती, मैसिवली होती है, एक संदेह एक ग्रुप के अंदर होती है जब एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करती है पैरेलल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो एक्साइटेशन होती है या कोई इनहिबिटेशन होती है न्यूरल सेल्स के अंदर, तो कैसे काम करती है सेम टाइम्स के अंदर, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट जिन जब ये काम करते हैं एक साथ, जब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं उसको इन्होंने टेंडम कहा है। स्मॉलेस्ट पार्ट जो एक सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे, उसको न्यूरॉन कहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट है जो उसको जो न्यूरॉन कहेंगे। जो एक और बात इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या कही कि जो मेमोरी है ना, ये सिर्फ मेमोरी नहीं है, ये जो मॉडल है हम जो काम करते हैं उसका एक रोल मॉडल नहीं कहेंगे, उसको एक जो मॉडल कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं एक परफॉर्मा एक टाइप से, हमारी नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है हमारी मेमोरी, ठीक है। द अकॉर्डिंग टू दिस मेंटल प्रोसेस आर ए प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स। तो मेंटल प्रोसेस क्या है इस थ्योरी के, इस मॉडल्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ जब ये जो
एक दूसरे से जो कनेक्ट किए, इस वीडियो में इतना ही, ये था हमारा जो एटेंशन का मॉडल, जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट करके जो हमें मॉडल प्रोवाइड करवाते हैं वो रिजल्ट है जो वो हमारा मेमोरी बनती है, वो रिजल्ट हमारी मेमोरी बनती है, डो का एग्जांपल है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस। करना इंफॉर्मेशन को नॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर देना।